हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह ही। देखिए ये जूते वाले अंकल है, मेरे जूता ढीला हो गया था तो उसको टाइट करने के लिए बुला कर लाई हूँ। ये घूम घूम कर जूता उत्ता सिलते हैं, जूता चप्पल कुछ भी सिलते हैं, और ये ढीला था तो मैं इसको टाइट करवा रही थी। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं तो वो अपनी ड्यूटी यहीं पर करते हैं लोकल में, इसलिए उनको हार्ट का प्रॉब्लम था। तो हार्ट का तो ऑपरेशन हो गया है, ओपन हार्ट सर्जरी था, लेकिन फिर भी वो कहीं अब बाहर नहीं जा सकते हैं तो इसीलिए अब यहीं पर करते हैं जॉब। देखिए चावल का बेटर लाइन नहीं था तो बस ये ख़राब हो चुका है। आज का डोसे का प्लानिंग रद्द, आज का डिनर का प्लानिंग तो मेरा बहुत ख़राब हो चुका था। फिर भी मैं आज सोच ली थी कि आज तो फिर उड़द का दाल भी था तो भी फेंका जाता, वो ठीक था, और ये ख़राब हो गया। फिर चावल का जो आटा था ना, उसी को घोल के मैं बना रही थी तो देख रही थी कि तुरंत को घोला हुआ कैसे होगा, उसको जब फुलाए नहीं है तो। लेकिन उसके साथ उड़द का दाल पीस उसके रखी थी, उसके साथ अब डाल करके चावल का जो आटा होता है, और सोचे कि रात का तो फिर यही खाने का प्लानिंग था तो सारा बेकार हो जाएगा। तो यही सोच करके फिर चावल का जो आटा था उसको मैं उड़द दाल के साथ मिला उला के रख दी, और थोड़ा सा इनो डाल दी कि अगर नहीं फूलेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, अजीब टाइट कड़ा हो जाएगा। तो अब बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद हो जाए। थोड़े से पहले कटोरी में लगा करके देख रही थी कि हो जाता है कि क्या, तो देखिए होता है क्या। लेकिन मैं तो मायूस हो गई हूँ, मेरा चिपक जा रहा था वो तावे में, और देखिए कैसा टूट टूट के निकल रहा है। मैं तो एकदम बहुत ज़्यादा मुझे ख़राब लग रहा था कि सब बच्चे और मेरे हस्बैंड माँ सब क्या कैसा लग रहा है उन लोगों को। और फिर से मैं कोशिश में लग गई, सेकेंड बार मैंने तावे पे वो डाला और थोड़ी सी उम्मीद जगी। थोड़े थोड़े से चिपक तो रहे थे लेकिन थोड़ा अच्छे से निकल रहा था, तो मैं थोड़ी हैप्पी हो गई, थोड़ी सी हैप्पी हो गई कि चलो भाई। कल का भिंगा हुआ चावल मेरा ख़राब हो गया इसलिए कि लाइन नहीं था। मैं तुरंत चावल के घोल, जैसे कि पीसा हुआ चावल था उसके घोल बेटर तैयार की और बना रही हूँ। देखिए आई होप सो बन जाए। तुरंत का घोला हुआ नहीं बनता है। और मैं फिर थर्ड वाला जब तावा पे डाली और फिर से कोशिश में लेकर और शायद इस पर और अच्छा से निकले, तो मेरी कोशिश थोड़ी पहले वाले से ज़्यादा अच्छी रही। अगर आपके डोसा चिपक रहे हैं तावा में, पानी डालिए, साफ कीजिए, और एक प्याज रगड़ दीजिए, वापस से तेल डालिए, दाल में पानी मिला है, मीडियम लाइन है, खराब लाइन है। आज तो मैंने सोचा था कि आज डोसा नहीं बनेगा, जितना चीज़ चटनी वगैरह बनी है वो फेंका जाएगी, इसलिए कि मेरा चावल खराब हो चुका था, लाइन नहीं था सुबह से, इसलिए घोल कर रखा हुआ खराब हो गया था। तो चावल पीसा हुआ रखा हुआ था पाउडर, उसको मैं तुरंत घोली, हल्का सा उसमें इनो मिला दी, थोड़ा सा, पूरा पैकेट नहीं है। उसके बाद उड़द पीसी नहीं थी इसलिए उड़द फुला के रखा हुआ था, उड़द लाइन आया तो पिसा गया। और उसके बाद मैंने मिला करके सोचा था कि बेकार फेंका जाएगा, लेकिन चलिए बन गया, आप देख ही रहे हो बहुत अच्छी तरह से निकल जा रहा है। जब उसका कलर ब्राउन हो जाए तो उसको पलट करके दूसरी साइड से सेक लीजिए। मैं प्लेन डोसा बना रही हूँ तो प्लेन निकाल के रख लेती हूँ और सांभर चटनी के साथ सर्व कीजिए।
और देखिए मेरी मम्मी ने क्या बनाया है। ये कान के पीछे डाल लीजिए, तो अगर कान के छेदे बड़े हैं तो आपके झुमका या फिर कोई भी आप कान में पहन रही हैं टॉप्स, वो लटकेंगे नहीं। बड़ी खूबसूरत से बनाई है मेरी मम्मी ने, देखिए अभी और बना ही रही है। ये मौली धागे को मोटे करके मैं मेरी मम्मी सिल रही है, ऐसा बन के आएगा। और आज का वीडियो इतना ही।